जी हाँ दोस्तों, आज सुबह होते ही आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें कि बात तो दुखी करने वाली है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, वरना आप भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों बता दें कि आज सुबह होते ही 1 मार्च 2024 को हमारे LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम में तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें कि हमारे रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर दोनों के दाम में इजाफा कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार किन किन राज्यों में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों बता दें कि अगर आप भारत के चाहे कहीं से भी हैं तो अपने के रसोई गैस सिलेंडर का दाम इस वीडियो के अंदर जरूर जान लीजिए। दोस्तों बता दें कि आज 1 मार्च को सुबह सुबह लगा झटका, महंगा हो गया LPG गैस सिलेंडर, नई कीमतें आज से लागू। जी हां दोस्तों, दरअसल हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां के द्वारा आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों को जारी करते हुए बताया कि 19 किलोग्राम का कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत दाम में 25.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इससे आपके फरवरी में 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, और बता दें कि इस महीने मार्च 2024 में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों बता दें कि लगभग कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 11 रुपए की बढ़ोतरी हमारे मार्च 2024 में किया गया है, और इससे पहले फरवरी में आपके कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस महीने थोड़ा ज्यादा ही आपके कमर्शियल गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी की किया गया है। तो ये बेहद दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने आम जनता को सबसे तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों बता दें कि यह नया रेट हमारे भारत के लगभग सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है, और जो आपका 14.2 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर है उसके दाम में ना ही बढ़ोतरी किया गया है ना ही कमी किया गया है। यानी एक तरफ से यह उल्टा हो गया है। मैंने बोला था कि आपके 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कमी होगा, लेकिन यहाँ तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुआ है, और आपके 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर में ना ही बढ़ोतरी हुआ है ना ही कमी हुआ है। तो ऐसे में आप इस समय किस राज्य से हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी यह जानकारी हो सके कि आप हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।